हेलो एवरीवन मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम चलो स्टार्ट करते हैं हम किससे हमारे क्वेश्चन नंबर इलेवन से तो ये क्या कह रहा है द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑप्टेन ड्यूरिंग द कॉनेटिक स्टडीज ठीक ऑफ द रिएक्शंस मतलब कि जब ये रिएक्शन कार ने स्टडी करा तो कुछ रिजल्ट आया तो तुम्हें निकालना क्या है अब कि डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शंस ठीक है तुम्हें रेट लॉ और रेट कॉन्स्टेंट निकालना है ठीक है तो हमें पता है कि क्या होता है आर इज इक्वल टू के ठीक है ए तुम्हें निकालना है क्या इसकी पावर निकालना है और तुम्हें वाई इसकी पावर भी मतलब बी है उसकी पावर भी निकालना है ठीक तुम्हें एक्स और वाई निकालना है ठीक तो सुनो तुम्हें हमारे पास क्या क्या है हमारे पास ऑलमोस्ट तो सब कुछ है ये देखो हमारे पास क्या इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो हमारे पास ये भी गिवन है तो हम चलो सीधे वैल्यू रखते हैं ये क्या है पहला एक्सपेरिमेंट की वैल्यू क्या है सिक्स इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री इज एकवल टू के ठीक ए के वन है हमें ज़ीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन एक्स ठीक और हमारे पास बी के वन है ज़ीरो पॉइंट वन फिर से वाई ठीक ये हो गया हमारा पहला तो दूसरा क्या होगा हमारा दूसरा होगा हमारा सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस टू टेन टू दावर माइनस टू इज़ टू के ठीक ये कहता है हमारा ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री एक्स और फिर ये कहता है हमारा ज़ीरो पॉइंट टू वाई ज़ीरो पॉइंट थ्री एक्स और जीरो पॉइंट टू बाखो थर्ड थर्ड क्या है हमारा जीरो पॉइंट थ्री और जीरो पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट थ्री और ज़ीरो पॉइंट फोर ये वाई है ये एक्स है ठीक है के हमारे को नहीं पता और हमारे को ये कितनी वैल्यू है टू पॉइंट एट एट टू पॉइंट एट एट इंटू टेन टू डी पावर कितना दिया है माइनस वन मतलब इनवर्स दिया ठीक अब फोर्थ क्या है तुम्हारा फोर्थ तुम्हें तो दिया है टू पॉइंट फोर जीरो टू पॉइंट फोर जीरो इंटू टू डी पावर माइनस टू इज इक्वल टू के ए कितना दिया तुम्हारा ज़ीरो पॉइंट फोर एक्स और तुम्हें बी कितना दिया जीरो पॉइंट वन बाय तो ये तुम्हारी क्या चार इक्वेशंस आ गई ठीक अब इससे हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम क्या करें अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किस फोर को डिवाइड कर दूँ वन से फोर को अगर मैं डिवाइड कर दूँ वन से तो क्या आएगा देखो देखते हैं हम फोर अगर मैं फ़ोर को डिवाइड कर दूँ वन से ठीक तो क्या आएगा हमारा 2.40 देखो 2.40 पॉइंट फोर जीरो इंटू पावर माइनस टू इज इक्वल टू के ठीक के कितना दिया तुम्हें ज़ीरो पॉइंट फोर ज़ीरो पॉइंट फोर ये हो जाएगा एक्स ठीक है और जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन वाई अपॉन वन की वैल्यू कितनी दी है तो मैं सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट ज़ीरो इंटू डी पावर माइनस थ्री ठीक इतना दिया इज इक्वल टू इज़ इक्वल टू तो मैं क्या दिया है अब जीरो पॉइंट वन के ज़ीरो पॉइंट वन एक्स और ये तो मैं जीरो पॉइंट वन वाई ठीक है और हमने लिया क्यों ये ये क्यों लिया क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये दोनों को मैं काटूंगा तो क्या जाएगा वाई वाई तो कट जाएगा सिर्फ बचेगा एक्स एक्स ठीक है तो क्या होगा ये देखो ये इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या जाएगा ये पूरा कट जाएगा ये पूरा कट जाएगा और इसको मैं काटूंगा तो ये कितना जाएगा फोर टाइम जाएगा जीरो पॉइंट वन को मैं अगर क्या करूँगा जीरो पॉइंट फोर से डिवाइड करूंगा ठीक है तो क्या होगा सीधे ऐसे भी कर सकते हो कि इसका इन्वर्स कर दो फोर अपॉन क्या हो जाएगा वन आ जाएगा ना तो जाएगा फोर ठीक है इसको मैं काटूंगा तो आ जाएगा क्या सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो हो जाएगा फोर ठीक फोर ये हो जाएगा फोर इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा फोर की पावर एक्स ये होगा फोर की पावर एक्स ये हो जाएगा ना तुम्हारा अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको इसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर की पावर क्या एक्स ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स ठीक है तो ये एक्स की वैल्यू की जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी टू एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी टू ठीक है ये आ गई हमारी टू अब हम देखते हैं तुम्हारी वाई की वैल्यू चलो तुनू. थोड़ा सा करेक्शन है क्या है कि देखो फोर की पावर क्या होती है वन इज़ इक्वल टू फोर की पावर क्या है तुम्हारा एक्स आया था तो एक्स की पावर इक्वल आएगा तुम्हारा वन ठीक है ये आएगा तुम्हारा वन समझ गए ये होगा तुम्हारा वन एक्स की पावर हो जाएगी वन ठीक तो बस थोड़ा सा करेक्शन था वो देख लो हाँ अब सुनो अब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमें दिख रहा है कि मैं अगर इसको काटूँगा किसको थ्री को टू से डिवाइड करूंगा तो हमारा एक्स की टर्म कट जाएगी और सिर्फ क्या बचेगी वाई की टर्म तो चलो निकालते हैं अगर मैं थ्री को डिवाइड कर दूं किससे से टू से तो क्या आएगा तुम्हारा टू पॉइंट एट एट इंटू टेन टू दावर माइनस वन अपॉन ठीक टू पॉइंट एट एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस वन अपॉन क्या होगा सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू ऐसा होगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू इक्वल होगा देखो के इसमें भी के ठीक है अब देखो दोनों के कंसंट्रेशन ठीक है सीधे लिख रहा हूँ मैं देखो दोनों के कंसंट्रेशन क्या है थ्री का है जीरो पॉइंट थ्री इसका भी है ज़ीरो पॉइंट थ्री ये दोनों की पावर कितनी थी एक्स एक्स थी ठीक है और इसकी पावर कितनी है इसका है जीरो पॉइंट फोर और इसका है जीरो पॉइंट टू इसकी पावर वाई इसकी पावर वाई ठीक है अब क्या होगा जब इसको तुम काटोगे ठीक है ये तो पूरा कट जाएगा और ये आएगा कितना तुम्हारा ये आएगा तुम्हारा टू तु की पावर वाई टू की पावर वाई ठीक है और ये आएगा तुम्हारा कितना ये आएगा तुम्हारा फोर फोर इज़ एक्ल टू टू की पावर वाई तो जब ये इसको करोगे तो आएगा टू इज़ इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा टू क्योंकि ये हो जाएगा टू का स्क्वायर और जाएगा ठीक है वो एक्स के टर्म में नहीं होगा ठीक है वो थोड़ा सा हो गया था थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक भी ठीक चलो अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया एक्स और वाई दोनों आ गया ठीक तुम्हारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है और वाई इज़ इक्वल टू टू दोनों आ गया अब क्या तुम इससे क्या निकाल सकते हो तुम इससे क्या निकाल सकते हो रेट वो निकाल सकते हो के निकाल सकते हो ठीक तो चलो के निकालते हैं अब हम चलो के निकालते हैं के की वैल्यू हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालते क्या हो जाएगा तुम्हारा सिक्स पॉइंट ठीक जीरो इंटू टेन टू डी पावर कितना है तुम्हारा माइनस थ्री इज एक्वल टू ठीक है के की वैल्यू ही निकालनी है हमें तो मैं क्या करूँ इसको सीधे जो कि इसका टर्म है इसको मैं अपॉन में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा की पावर वन और की पावर टू तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट वन उसकी पावर तो वन है ये ए है और ज़ीरो पॉइंट वन उसकी पावर टू है ठीक है ठीक ये हो जाएगा तुम्हारा जब इसकी वैल्यू निकालोगे के इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा सिक्स क्या आएगा तुम्हारा सिक्स आएगा ठीक है समझ गया बात तो तुम्हारा रेट कितना आ गया तुम्हारा आ गया सिक्स ठीक है तो हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा x ये हो गया y और तुम्हारा k इक्वल आ गया तुम्हारा सिक्स ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट ठीक है उम्मीद समझ में आया होगा जब आप दूसरा देखते हैं तो देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी ठीक है इज़ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि उनने पहले ही बोल दिया कि जो बी है वो क्या है वो ज़ीरो ऑर्डर है मतलब उसका तो वैल्यू ही वन हो गया यही पढ़ता है ना उसका अगर वैल्यू वन हो गया तो अब क्या होगा कि रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन सिर्फ ए के इक्वल होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ क्या है तुम्हारा ए और बी तो क्या है उसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर है ठीक है तो के ये हो जाएगा क्या आर इज इक्वल टू के ए ठीक तो हमें इस बीच अब पूरे क्या पूरी सॉल्व करना है ठीक अब फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल तो तुम्हें पहले ये निकालना है तो तुम्हें ये तो पूरा गिवन है ठीक ये तो तुम्हें निकालना है क्या ये निकालना है फिर ये और फिर ये निकालना है। तुम्हें ए निकालना है फिर तुम्हें बी निकालना है और फिर तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें आर भी निकालना है तो चलो निकालते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ए फर्स्ट uh, वाली एक्सपेरिमेंट uh, से हम निकाल लेते हैं के की वैल्यू तो के की वैल्यू कितनी आएगी टू पॉइंट ज़ीरो इन टू टेन टू डी पावर कितना दिया है माइनस टू माइनस टू इज इक्वल टू के ठीक है ए कितना दिया तुम्हें ए दिया है तुम्हें जीरो पॉइंट वन कितना दिया तुम्हें जीरो पॉइंट वन तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू के यही आएगा ये यह जब नीचे जाएगा ये जब इधर आएगा अपॉन में तो क्या होगा यहाँ से एक कट जाएगा और ये माइनस वन बचेगा माइनस वन बचेगा तो मतलब टू टू अपॉन टेन मतलब कि जीरो पॉइंट टू ठीक तो ये हो जाएगा तुम्हारा के इज़ टू जीरो पॉइंट टू तो ये तुम्हारी पूरी वैल्यू आ गई अब इसको पुट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा सब कुछ देखो के इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर मैं इक्वेशन नंबर बी की बात करूँ मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर टू की बात करूँ तो क्या आएगा तो आएगा तुम्हारा देखो आर इज इक्वल टू के ए है ठीक है तुम्हें ए ही तो निकालना है तुम्हारे पास क्या है आर तुमको गिवन है तो जल्द दो सीधे आर फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस टू इज इक्वल टू के तुमने कितना निकाला था जीरो पॉइंट टू तो इससे तुम निकाल सकते हो क्या ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं देखो क्या होगा ये हो जाएगा इसके अपॉन में तो ये क्या हो जाएगा फोर पॉइंट जीरो इंटू टू दावर माइनस टू अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू इज एक टू ए जाएगा इसका ये हो जाएगा ना ठीक है अब इसको तुम क्या करोगे अगर तुम इसको करना चाहो तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा टू ज़ीरो टू पॉइंट जीरो इंटू टेन टू द पावर माइनस वन ये जाएगा यह तो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस वन आ जाएगा तुम्हारा क्या ए तुम्हारा ए कितना आएगा टू पॉइंट मतलब टू पॉइंट जीरो इन्टू टेन टू द पावर माइनस वन ठीक ये ए हो गया अब देखो दूसरा देखो क्या है तुम्हारा थर्ड वाला थर्ड वाला में क्या है तुम्हारे पास सिर्फ आर नहीं है ठीक है मैं आर निकालना है तो सीधे रख दूँ आर इज़ टू के की वैल्यू कितनी है हमारी जीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट टू है और हमें बी से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि बी तो ऑलरेडी क्या है जीरो ऑर्डर है तो ये जाएगा जीरो पॉइंट फोर ये हो जाएगा कितना ज़ीरो पॉइंट फोर जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट आर इज टू हो जाएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट ज़ीरो एट ठीक है कोई एट मत लिख देना इधर क्योंकि क्या वो सीधे फोर इंटू नहीं हो रहा है वो जीरो पॉइंट फोर हो रहा है वन नाइन एट लिख दो ठीक है चलो अब दूसरा देखो फोर्थ वाला फोर्थ में तुम्हें क्या निकालना है ए निकालना है वापस से ही तुम्हें वापस से ए ही निकालना है तो देखो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा आर अपॉन के इज एक्ल टू ए अब ये मैंने थोड़ा डिफरेंट लिख दिया ठीक है वो उधर से इधर ले आया बस और कुछ नहीं हुआ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टू पॉइंट ज़ीरो इंटू टें पावर माइनस टू अपॉन ठीक है ये लगभग सेम ही तो है लगभग सेम ही तो है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपॉन के की वैल्यू कितनी थी जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू थी तो अब क्या हो जाएगा ये उधर कितना आया था जीरो पॉइंट टू आया था तो उधर कितना है जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन क्या आ जाएगा तुम्हारा ए तो ये आया तुम्हारा जीरो पॉइंट वन पहला ठीक है और के कितना है तुम्हारा फिर सेकेंड वाला कितना है तुम्हारा जीरो पॉइंट जीरो एट यही आया तुम्हारा जीरो पॉइंट जीरो एट इं टेन टू दी फिर तुम लगा लेना अगर टेन टू दी माइनस टू के फॉर्म में लिखना है तो इसको तुम लिख सकते हो एट इंटू टेन टू दि माइनस टू ठीक है अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो सुनो अब और क्या हो सकता है और ए की वैल्यू तुम्हारी एक और कितनी आई थी ए की वैल्यू आई थी तुम्हारी कितनी आई थी तुम्हारी टू टू इंटू टेन टू डि माइनस वन मतलब अगर इसको तुम सिंपलर फॉर्म में लिखना है तो ये लिख देना तुम जीरो पॉइंट टू समझ गए जीरो पॉइंट टू यहाँ पे आया जीरो पॉइंट वन ठीक ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलो अब दूसरा देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है कौन सा चलो देखो हमारा अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट तो तुम्हें रेट कॉन्स्टेंट गिवन है मतलब के इज ऑलरेडी गिवन ठीक के गिवन है अब होता क्या है भाई फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन के ठीक है ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है तो आप सब जगह पे पुट कर दो तो क्या आएगा टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन टू टू हंड्रेड सेकेंड इनवर्स ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन टू हंड्रेड सेकेंड इनवर्स ठीक ठीक सेकेंड इनवर्स में दिया है तो सेकेंड इनवर्स में ही आएगा अब देखो टी हाफ कितना आएगा तुम्हारा यह आएगा थ्री पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन डी पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स ठीक यह हो जाएगा तुम्हारा पहला सेकेंड इनवर्स अब देखो दूसरा क्या कह रहा है टी हाफ तुम्हारा ये तो लगेगा और कितना है टू मिनट दिए तो यहाँ पर टू मिनट रख दो तो कितना जाएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट थ्री फाइव मिनट इनवर्स ठीक है सीधे इधर रख दो टू तो आ जाएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट थ्री फाइव मिनट इनवर्स ठीक है अब देखो फिर तुम्हें क्या दिया है तुम्हें दिया है टी हाफ इज एक टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन के ठीक है के कितना है तुम्हारा फोर ईयर तो यह जाएगा टी हाफ जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन फोर ईयर्स ठीक है जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा जीरो पॉइंट वन सेवन थ्री ठीक है और किस में यूनिट क्या आएगी ईयर इनवर्स ईयर्स इनवर्स यस ठीक है तो ये हो जाएगा टी हाफ ठीक समझ गए चलो ठीक है यह होगा तुम्हारा टी हाफ ये वाला हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सोल्व ठीक अब चलो दूसरा देखते हैं हम तो चलो अब देखें हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डेके क्या सी 14 मतलब कार्बन 14 ठीक इस कितना दिया तुम्हें फाइव सेवन थ्री सिक्स थ्री जीरो ठीक तुम्हें इतना दिया है अनार्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट ठीक कंटेनिंग है वुड हैड ओनली एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट मतलब ये पहले कितना होगा हंड्रेड परसेंट ठीक है अब कितना हो गया एट्टी परसेंट ठीक है चलो ठीक है तो प्योर कितना होगा एट्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट और अभी कितना बचा है एट्टी परसेंट देखो आ, ऑफ C14 फोर्टीन फाउंड इन अ लिविंग ट्री एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल तो हमें एज ऑफ सैंपल निकालना है चलो निकालते कैसे पहले तो t हाफ हमारा होता कितना है t हाफ होता है हमारा 0.69 पॉइंट सिक्स कितना होता है k ये हमें पता है k होता है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा भाई देखो हमें पास कितना के वन है टी हाफ कितना दिया इन्ह ने हमें दिया है फाइव सेवन थ्री जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन के इधर से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके इधर से आ जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन फाइव सेवन थ्री जीरो इज टू के ये हो गई ये होगी ना अब इधर से हमें एक और फॉर्मूला पता है वो क्या होता है के इज एकवल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी और लॉग इनिशियल माई अपॉन फाइनल मतलब जो हमें अभी, अभी हमारे पास है फाइनल नहीं ठीक है हर बार बोलता हूँ मैं ये बात ठीक जो हमारे पास अभी प्रेजेंट है वो तो चलो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा देखो हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास के की वैल्यू है तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे ये क्या हो जाएगा टी इज एक्ल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन फिर क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा फाइव सेवन थ्री ज़ीरो हो जाएगा ठीक लॉग हमें पास पहले कितना होगा वो सी फोर्टीन पहले तो वो हंड्रेड होगा ना अभी कितना मिला है हमें 80 मिला है ठीक है तो टी हाफ के टी कितना आएगा टी कितना आएगा तुम्हारा एट फोर फाइव ईयर्स ठीक है कितना आएगा तुम्हारा भैया अठारह सौ साल पुराना है ठीक है जो सैंपल आया तुम्हारा एट हंड्रेड ईयर्स पहले का आया एट हंड्रेड नहीं वन थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव ईयर्स सर ठीक है चलो इतना पुराना आया वो ठीक है पहले तो मैं ये पता होना चाहिए भाई परसेंटेज में क्या होता है कि हंड्रेड होता है हमें मिला कितना एटीन मिला है ठीक है तो चलो ये हमें मिल गया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप दूसरा देखते हैं तो मैं कौन सा क्वेश्चन दिया है अब दिया है द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर डे ऑफ एन टू ओ फाइव ठीक है तो मैं ये डाटा दिया है किसका एन टू ओ फाइव के डेकम्पोजिशन का तो हो क्या रहा है रिएक्शन में एन टू ओ एन ओ टू अलग टूट रहा है ओ टू अलग टूट रहा है ठीक किसमें इन गैस फेज एट थ्री वन एट कैलविन पर तो तुम्हें डाटा कुछ दिया है टेबल फॉर्म में तुम्हें डाटा दिया है तो किस किस के बीच में दिया है तुम्हें डाटा तुम्हें दिया है एक टाइम के बीच में और दूसरा तुम्हें दिया है, है कंसनट्रेशन के बीच में ठीक अब एक चीज़ और ध्यान रखो जब टाइम तुम्हारा होगा जीरो मतलब तुम्हारी रिएक्शन होना स्टार्ट हो रही होगी हुई नहीं है अभी तो अब क्या होगा कंसनट्रेशन मैक्सिमम कंसनट्रेशन मैक्सिमम और जब टाइम होगा तुम्हारा मैक्सिमम चीज़ पे मतलब जब तुम्हारा कंसनट्रेशन आधा ख़त्म हो गया होगा तो यहाँ पर मिनिमम होगा क्या तुम्हारा कंसनट्रेशन और टाइम होगा तुम्हारा मैगजिमम मतलब टाइम होगा तुम्हारा मैगजिमम कंसनट्रेसन मिनिमम ठीक तो पहला क्या कह रहा है प्लॉट एन टू ओ फाइव अगेंस्ट टी मतलब टाइम के अगेंस्ट में है तुम्हें क्या प्लॉट करना है इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या होगा तुम्हें वैल्यू पूरी गिवन है इंटरवल भी तुम्हें अच्छे से दिया है ऐसा नहीं कि जो इंटरवल इन दोनों के बीच का वो अलग है जैसे देखो फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड तो ग्राफ तो ईजिली प्लॉट हो ही जाएगा तो ग्राफ तुम्हारा कुछ बनता है ऐसे तो ग्राफ तुम्हारा ये है ठीक है तो ये ग्राफ तो बना ही लोगे अब इस कंडीशन पे तुम्हारा होगा सी मैक्स सी मैक्स मतलब तुम्हारा जो कंसनट्रेशन है वो होगा क्या सी मैक्स मतलब कंसनट्रेशन मैक्सिमम होगा चलो ठीक है अब अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन तो मैं तुमसे ये बोल सकता हूँ ना कि कंसनट्रेशन तो तुम्हारा मैक्सिमम है अगर हम उसका आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा तो चलो देखते हैं हाफ़ लाइफ कंसनट्रेशन मैक्सिमम किस पे है टी इक्वल जीरो पे और है कितना वो है तुम्हारा वन पॉइंट सिक्स थ्री इन टू टेन टू दि पावर टू टेन टू दावर टू कहाँ से आया यहाँ से आया हमें गिवन है ठीक अब इसका हाफ़ कर देंगे तो क्या जाएगा? आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा हाफ़ लाइफ तो इसका हाफ करो कितना आएगा, आएगा 10 यह आएगा तुम्हारा ज़ीरो पॉइंट एट वन फाइव इन टू टेन टू दि पावर टू ये होगा अब मैं तुमसे पूछूं कि ग्राफ में ये वैल्यू कहाँ पे होगी ग्राफ में ये वैल्यू किधर पर होगी तो ये बताओ देखो 0.815 पॉइंट एट कहाँ पर होगा देखो ये होगा इसके बीच में या तो इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा ये होगा ना मतलब 1200 और 600 के बीच में कहाँ पे होगी ये वैल्यू तुम्हारी प्रेजेंट होगी मतलब जो तुम्हारा हाफ लाइफ है हाफ लाइफ है किसकी एन टू ओ फाइव की वो कहाँ पे होगी सिक्स ट्वेल्व हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड के बीच में तो हम मान लेते हैं ठीक है हम मान लेते हैं ये जो वैल्यू है समझ रहे हो ये वैल्यू कहाँ पे होगी तुम्हारी ऑलमोस्ट फोर फाइव जीरो पर होगी हमने ये मान लिया कि ये फोर फाइव जीरो पर होगी ठीक है एक काम करो इसको प्लस करके अपन एवरेज निकाल लो एवरेज से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा ऊपर नीचे भी हो सकती है लेकिन एवरेज से पता चल जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू कहाँ लाए कर सकती है तो सुनो इन दोनों के बीच में होगी तुम्हारी क्या हाफ लाइफ तो अब हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं देखो यह तुम्हारा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारा? यहाँ पे होगा यह है ट्वेल्व हंड्रेड तो 4, फोर फिफ्टी कहाँ पे होगा इसके बीच में होगा यहाँ पे कुछ होगा देखो अब यह क्या है तुम्हारी जीरो पॉइंट नाइन थ्री और जीरो पॉइंट सेवन एट तो ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री देखो जीरो पॉइंट नाइन थ्री और जीरो पॉइंट सेवन एट तो देखो यह है तुम्हारा क्या ज़ीरो पॉइंट सेवन एट यहाँ पर जीरो पॉइंट सेवन एट होगा और जीरो पॉइंट नाइन थ्री कहाँ होगा ये ऊपर होगा समझ रहे हो ना यही होगा ना प्लॉट पे तुम्हारी वैल्यू तो पूरी प्लॉटेड है ना ठीक तो तुम्हारी क्या होगा जीरो पॉइंट नाइन इधर होगा और जीरो पॉइंट सेवन एट कहाँ होगा ये इसके पास होगा तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी ये कुछ ऐसे बनेगा इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या होगा ये पॉइंट पे तुम्हारा हाफ लाइफ हो चुका होगा ठीक है किसका हाफ लाइफ हाफ लाइफ किसका एन टू ओ फाइव का समझ गए बात ठीक तो ये ग्राफ ग्राफिकल हो गया और ये हमने एज्यूम कर लिया कि भाई फोर्टीन फिफ्टी पे समझ रहे हो ना कि क्या होगा हाफ लाइफ प्रेजेंट होगा चलो अब दूसरा देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है ड्रॉ आ ग्राफ बिटवीन क्या लॉग एन टू और एन टी मतलब तुम्हें लॉग में निकालना है लॉग में निकालना है तो क्या तुम्हें जो कंसनट्रेशन दिया है उसका लॉग निकालो तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएंगी तुम्हारी वैल्यू आएगी वन पॉइंट सेवन नाइन वन पॉइंट एट सेवन ठीक है तो तुम्हारी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी और जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगा एकदम लीनियर ठीक एकदम बनेगा तुम्हारा लीनियर अब हमें ये पता है कि लीनियर अगर ग्राफ बन रहा है तो वो हमारी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ठीक है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है क्योंकि रिएक्शन रेट क्या किसके इक्वल होता है के और मास के किसके रिएक्टेंट के मास के रिएक्ट ठीक है उसका ऑर्डर क्या होता है वन इसलिए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यही ना हमने मान लिया कि जो ए है वो हमारा क्या है ए हमारा क्या है रिएक्टेंट है तो देखो इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा जो आर है वो के रिएक्टेंट क्या है हमारा एन टू ओ फाइव है ना उसके इक्वल होगा ठीक ये इक्वल होगा ठीक तो सुनो पहला हमारा उसके बाद हमारा क्या कह रहा था कि वॉट इज रेट लॉ तो रेट लॉ हमारा यही है रेट लॉ यही है कि रेट इक्वल टू के एन टू ओ फाइव क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि जो लॉग का जो है वो क्या बन रहा है वो एकदम लीनियर बन रहा है ठीक लीनियर बन रहा है तो चलो ठीक है ये हो गया हमारा अब उसके बाद क्या है रेट द कैलकुलेट द रेट कॉन्सटेंट रेट कॉन्सेंट मतलब तुम्हें क्या निकालना है केक के निकालना है ठीक और हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पता है कि केक मतलब स्लोप कितना होता है पता है ना स्लोप क्या होता है तुम्हारा स्लोप स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री यही होता है यही होता है ना स्लोप इज इक्वल टू माइनस के टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यही होता है और अगर हम तुमसे पूछे कि स्लोप क्या होता है स्लोप अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है वो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट था यहाँ पे हमारा था मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे क्या था हमारा टी बाय एस यही था ठीक अभी मगर ये लॉग का है तो ठीक है तो लॉग का है तो यहाँ पे क्या था लॉग और वहाँ पे टी आ, टी सेकेंड था मतलब सेकेंड में था ना टाइम अब देखो के इक्वल टू क्या होगा के इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ठीक है तो क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम टाइम कितना लिया मैक्सिमम टाइम कितना लिया उसने थ्री सिक्स जीरो जीरो लिया था याद है मतलब अपना जो टाइम बीच में लिमिट थी वो कितनी थी थ्री सिक्स जीरो जीरो थी और जीरो से चालू हुआ था जीरो से थ्री सिक्स जीरो जीरो था याद है और फिर लॉग के टर्म में सबसे सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी हो जाएगी ये वाली हो जाएगी सबसे ज़्यादा सब वैल्यू ठीक है तो चेंज इन कंसनट्रेशन में क्या लिखोगे तुम देखो यहाँ पे के इक्वल टू स्लोप स्लोप इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा चेंज इन कंसनट्रेशन चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन अपॉन क्या चेंज इन टाइम चेंज इन टाइम यही आएगा तुम्हारा तो सुनो चेंज इन कंसनट्रेशन क्या होगा तुम्हारा माइनस टू पॉइंट फोर सिक्स माइनस यही होगा ना भाई इनिशियल माइनस क्या मैक्सिमम जो हुआ इनिशियल माइनस क्या होता तुम्हारा जो तुम्हें टी टाइम पे आया तुम्हें एट पर्टिकुलर टाइम पे आया वो तो ये क्या होगा टू पॉइंट फोर सिक्स मतलब ये टू पॉइंट फोर सिक्स माइनस स्टार्टिंग कहाँ से हुई यहाँ से क्या क्या हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन नाइन ये होगा अब इसके अपॉन में क्या है चेंज इन टाइम तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी तुम्हारी थ्री सिक्स जीरो जीरो थ्री सिक्स ज़ीरो जीरो स्टार्ट कब हुआ था जीरो से ठीक है आप सुनो स्लोप इक्वल टू है ये और स्लोप होता है तुम्हारा ये चेंज इन अपॉन टाइम ठीक है तो क्या होगा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो टू स्लोप इक्वल है के के तो हम क्या रख दें इसकी जगह वैल्यू रख दें तो क्या जाएगा तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा ये वाला आएगा क्या के, के अपॉन ये क्या है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री समझे देखो ये इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर वन ठीक इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर वन और जो स्लोप है तुम्हारा ये जो स्लोप है ठीक ये जो तुम्हारा स्लोप है वो क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम तो इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो ऐस की वैल्यू यहाँ रख दो बातें की है तो तुम्हारी क्या आया ये आ गया अब इधर से जब तुम के की वैल्यू निकालोगे ठीक है जब तुम तो इधर से के की वैल्यू निकालोगे तो क्या क्या आएगा तुम्हारा फोर पॉइंट एट टू इन टू टेन टू दावर फोर माइनस फोर तो ये होगा तुम्हारा के की वैल्यू समझे समझ गए ना यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा ये कुछ आएगा फोर पॉइंट एट टू टू टेन टू दावर माइनस फोर ये हो गया हमारा क्या रेट कांस्टेंट अब आखिरी क्या बचा हमारा ये वाला कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड ठीक तो तुम्हें क्या निकालना है हाफ लाइफ पीरियड निकालना है ठीक हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं हम उसका फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन के होता है याद आ रहा है हाँ भाई लगा हुआ देखो, देखो क्या होगा ये ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के हमारे पास के की वैल्यू है तो रख दो इधर टी हाफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के की वैल्यू कितनी है तुम्हारी फोर पॉइंट एट टू इंटू टेन टू द माइनस फोर जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा टी हाफ जब इसको सॉल्व करोगे तुम क्या आएगा तुम्हारा टी हाफ इज एक्वल टू फोर थ्री एट और हमें किस में दिया है हमारा टाइम किस में दिया था हमें सेकेंड में तो क्या होगा ये सेकेंड तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर समझ गए तो ये इजी था तो तुम्हें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए थे समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हम। अब चलो दूसरा देखते हैं हम तो देखो हमें क्या दिया है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ सिक्सतीकेंड इनवर्स तो देखो रेट कॉन्सेंट मतलब के हमें दिया है कितना सिक्सती सेकेंड इनवर्स ठीक है हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स वन सिक्सटीन पार्ट मतलब कि अगर उसका कंसनट्रेशन सिक्स था ए था ठीक है ए था तो इतना वो कितना टाइम लेगा कि जब उसका कंसंट्रेशन पहुंच जाए ए अपॉन सिक्सटीन के तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका इनिशियल हो गया और जब कंसनट्रेशन वहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो इसका फाइनल हो जाएगा ठीक है तो हम कौन सी वैल्यू कौन सा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री अपॉन टी ठीक है लॉग लॉग इनिशियल कितना था ए और कटने के बाद कितना पहुँचा मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि टूटा कितना ए माइनस एक्स ठीक है अब इसको मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा के की वैल्यू कितनी है सिक्सटी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी ठीक है लॉग इनिशियल कितना है हमारा ए ठीक है इनिशियल कितना है हमारा कितना कितना प्रेजेंट है हमारे पास इनिशियल चलो सिक्सती सेकेंड पे कुछ तो प्रेजेंट होगा ना हमारा ठीक है तो ये हो जाएगा ए हमारा कितना इनिशियल पे सिक्सती सेकेंड पे कितना प्रेजेंट होगा ए अपॉन ये कितना हो जाएगा ए बायटीन हो जाएगा ये ए बाई सिक्सटीन ठीक है तो अब इसको मैं इधर करूँ ठीक है इसको मैं इधर करूँ तो t की वैल्यू क्या आएगी t इज एक टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन ठीक है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स टी लॉग ए अपॉन ए बाय सिक्सटीन इतना हो जाएगा ये ठीक है जब तुम तो इधर से t की वैल्यू निकालोगे तो t कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स टू ठीक है ये किस में आया इसको मैं अगर सेकेंड में करूँ तो कितना इसको नॉर्मल लिख सकते हैं टी इज एकवल टू ठीक है ये हो जाएगा फोर पॉइंट सिक्स इंटू ठीक है टेन टू डी पावर माइनस टू सेकेंड ठीक है तो कितना टाइम लिया इसने t इज इक्वल टू फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू डी पावर माइनस टू इसने टाइम लिया ठीक है अब ये जो है इसको तो, तो तुम सॉल्व कर सकते हो लॉग को इसलिए मैंने सीधे लिख दिया t इज इक्वल टू फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू डी पावर माइनस टू सेकेंड ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया बस तुम्हें मेन जो पता होना था वो क्या होना था ये वाला फार्मूला अगर ये वाला तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा ठीक है सही समझ गए चलो ये हर जगह लगा है ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नाइन्टी स्टोनशियम ठीक विथ हाफ लाइफ कितना ट्वेंटी एट पॉइंट वन ईयर्स इफ़ वन माइक्रोग्राम ऑफ कौन सा नाइन्टी स्टोनशियम वॉज एब्जॉर्ब इन अ बोन्स ठीक है अगर बोन्स में वो एब्जॉर्ब हो गया ठीक है किसकी जगह कैल्शियम की जगह तो दस साल बाद और साठ साल बाद वो उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा अगर वो मेटाबुलाइज नहीं हुआ तो हमें ये बताना है चलो ठीक है हम देखते हैं सबसे पहले तो अगर वो मेटाबुलाइज नहीं हुआ ठीक है अगर हो गया तो क्या तो सुनो अगर हम टी हाफ निकालें टी हाफ निकालें तो क्या होगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन अब ये क्या है ये रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव के लिए हम लेते हैं लेमंडा समझ गए बात चलो ठीक है हाँ अब ये हो गया अगर मैं इसको क्या करूँ लेमडा इज इक्वल टू लिखूँ जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन टी हाफ तो तो भी सही होगा ठीक ऑप्शन हो क्या होगा कुछ टाइम बाद तो ये मेटाबोलाइज हो ही जाएगा तो हम वो वाली वैल्यू रखते हैं हमारी क्या अगर मैं क्या लिखूँ वो के इक्वल था अब मैं लेम्डा इज इक्वल टू वो था ना अपना के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री देखो के टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन अपॉन टी अपॉन टी तो ये क्या जाएगा लॉग इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन क्या फाइनल तो इनिशियल कितना था वन माइक्रोग्राम ठीक है और फाइनल तो हमें पता ही नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी देखो अगर मैं क्या करूँ टी हाफ की जगह पर क्या पुट कर दूँ तुम्हारा टी हाफ़ की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँ इसका हाफ लाइफ कितना दिया तुम्हें ट्वेंटी एट पॉइंट वन ठीक तो टी हाफ की जगह पे आ जाएगा तुम्हारा लैमडा इज एक्ल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन ट्वेंटी एट पॉइंट वन ट्वेंटी एट पॉइंट वन आ जाएगा तो यह चलो यहाँ पे पुट करते हैं यह जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन अपॉन ट्वेंटी एट पॉइंट वन इज एक टू टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री अपॉन टी टी टाइम कितना अगर मैं बात करूँ दस साल बाद के बाद तो ये हो जाएगा टेन ठीक है लॉग वन माइक्रोग्राम ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था वन अपॉन हमें निकालना एक्स ठीक है तो जब अब तुम एक्स की वैल्यू निकालोगे तुम क्या करोगे एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सेवन एट माइक्रोग्राम समझ गए ये आ जाएगी किसकी एक्स की वैल्यू किसके बाद किसके बाद ये हो जाएगी तुम्हारी दस साल के बाद अब सिमिलरली सिमिलरली हम किसका निकालें सिक्सटी ईयर्स का निकालें निकाले? तो चलो वो देखते हैं चलो वो देखते हैं वो क्या है वो हो जाएगा तुम्हारा सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा यह हो, क्या हो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन अपॉन टी हाफ तो वही रहेगा ट्वेंटी एट पॉइंट वन इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री अपॉन ठीक है अब ये दस साल के बाद था तो ये सिक्सटी ईयर्स के बाद क्या होगा सिक्सटी ईयर्स के बाद ये जाएगा अपॉन सिक्सटी लॉग वन अपॉन क्योंकि वन माइक्रोग्राम है ठीक है अपॉन ये कितना है ये कितना है ये तो हमें निकालना है तो इसको हम फिर से एक्स रख देते हैं ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी तुम्हारी जीरो पॉइंट टू टू माइक्रोग्राम ठीक ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू ठीक है तो भाई सिक्सटी ईयर्स के बाद कितना था जीरो पॉइंट टू टू और टेन टेन ईयर्स के बाद था जीरो पॉइंट सेवन एट समझ गए बात चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन्थ ठीक अब हम दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा है चल देखो एटीन क्या है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो मैं पहले ही तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए शोज़ दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइन्टी नाइन परसेंट कम्प्लीशन इस टॉइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीशन ऑफ नाइन्टी परसेंट रिएक्शन तो तुम्हें तो क्या ये तो हैंड्स प्रूफ वाला क्वेश्चन दे दिया तो चलो वो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखो कि टी इज इक्वल टू क्या होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के ये पढ़ते आए हम उसके बाद लॉग ठीक है कंसनट्रेशन तुम्हारा इनिशियल और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो हम सीटी लिख दे रहे हैं उसको या फिर हम हम उसको कभी कभी फाइनल भी बोल देते हैं ठीक है तो कंसनट्रेशन एक टाइम के बाद आप चलो देखते हैं टी हम इसको मान लेते हैं वन ठीक है टी वन टी वन इज़ इक्वल टू हम पहले बात करते हैं एट नाइन्टी नाइन परसेंट कम्प्लीशन की बात ठीक है एट नाइन्टी नाइन जब नाइन्टी नाइन परसेंट तुम्हारा कम्प्लीट हो चुका है ठीक है तो अब ये बताओ किस में से नाइन्टी नाइन परसेंट निकला होगा हंड्रेड में से ना मतलब हंड्रेड अगर ग्राम प्रेजेंट होगा इसके मतलब कि नाइन्टी नाइन ग्राम इसका उड़ गया है तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना हो उसका हंड्रेड समझ गए ना और और उड़ कितना गया नाइन्टी नाइन मतलब बचा कितना वन समझ गए ना ये बात तो समझ गए तो देखो ऐसा हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के लॉग इनिशियल कितना था हंड्रेड अपॉन ठीक है फिर आखिरी में एक टाइम के बाद कितना बचा हंड्रेड माइनस नाइन्टी नाइन यही बचा ना मतलब इतना था भाई नाइन्टी नाइन उड़ गया समझ गए ना तो ठीक है तो ये कितना आएगा टी हाफ टी वन इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के ठीक है तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ देखो लॉग 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 ये हो जाएगा कितना हंड्रेड हंड्रेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन की पावर टू और टू आ जाएगा सामने तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू लॉग टेन और लॉग टेन क्या होता है वन तो सिर्फ क्या आएगा तुम्हारा टू आएगा टू तो इसको मैं सीधे लिख दूँ इंटू टू इतना लिख दिया मैंने इंटू टू ठीक तो ये हो गया हमारा पहला चलो ठीक है ये हो गया हमारा पहला अब अब हम किस पर देखते हैं एट नाइन्टी परसेंट अब हम देखते हैं क्या एट नाइन्टी परसेंट देखो एट देख। नाइन्टी परसेंट है ना अब देखो होगा क्या सेम फार्मूला लगेगा उसको मैं टी लिख रहा हूँ ठीक टी टू पिक्चर ध्यान मत है ना ठीक टी टू इज इक्वल टी टू, टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.303 थ्री फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा के लॉग अब यहाँ पे क्या हुआ इनिशियल कितना होगा 100 होगा ठीक है उसके बाद कम कितना हो गया 90 किस में से 100 में से तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस नाइन्टी हंड्रेड माइनस नाइन्टी तो ये क्या हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री अपॉन के लॉग आप सुनो ये है हंड्रेड यहाँ बचेगा टेन तो कट कर दो तो कितना आएगा टेन गए ना ये कितना आएगा टेन तो इस क्या हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री अपॉन के क्योंकि लॉग टेन क्या होता है वन तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड वाला ये हो गया तुम्हारा सेकंड ठीक तो सुनो इसकी वैल्यू कितनी आई t2 की वैल्यू क्या है 2.30 3 अपॉन k तो इसको मैं ऐसे लगता हूँ कि t1 t1 इसकी जगह पर रख दो वैल्यू क्या जाएगा 2 t2 है मतलब जो t1 है वो ट्वाइस ऑफ t2 है तो यही तो वो बोलना चाह रहे थे जो हम मान नहीं रहे थे ठीक है तो हमने क्या कर दिया इसको हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड ठीक है साइन कर लेना इसमें इधर समझ गया चलो ठीक है तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन आप दूसरा देखते हैं चलो तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फोर्टी मिनट्स टाइम गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर थर्टी परसेंट मतलब कितने में से गया होगा हंड्रेड में से गया होगा तो चलो तुम्हारे पास दो चीज़ फिर से मिल गई ठीक है अब क्या है डिकम्पोजिशन देखो भाई फिर से पढ़ ले रहे हैं हम गिवन के चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं ध्यान दे पाए देखो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो बीस मिनट ले रही है थर्टी परसेंट डिकम्पोज होने में तो हमें कैलकुलेट करना है टी हाफ तो चलो पहले एक फार्मूला लिखते हैं टी हाफ टी जो हाफ है वो इक्वल होता है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री के के तो हम सीधे सॉल्व कर देते हैं चलो क्यों सर के की वैल्यू रट के आके नहीं ऐसा कुछ नहीं देखो अब हमें के की जो वैल्यू है वो तो दी नहीं है तो के की वैल्यू हमें निकालनी है तो के की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी देखो के इज इक्वल टू क्या होता था टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन सी एक टाइम के बाद मतलब यही था ना फाइनल के बाद ठीक है तो चलो वैल्यू रख देते हैं अब हम ठीक वैल्यू रख देते हैं। क्या आ जाएगा तुम्हारा के नहीं पता ठीक अब इनने हमारे पास क्या क्या गेवन है वो सब रखो टी कितना है तुम्हारा फोर्टी मिनट तो फोर्टी मिनट्स तो मैं लिख दू एट फोर्टी मिनट्स एट फोर्टी मिनट तो क्या होगा तुम्हारा के इट इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो फोर्टी लॉग इनिशियल कितना होगा हंड्रेड होगा ठीक है कितना डिकम्पोज हो गया हंड्रेड माइनस थर्टी हो गया हो गया तो ये क्या आएगा तुम्हारा? तुम्हारा के ठीक है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री वही का वही रखो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन तुम्हारा कितना टाइम फोर्टी लॉग हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस थर्टी सेवेंटी तो ये क्या हो गया तुम्हारा टेन अपॉन सेवन समझ गए देखो आप सॉल्व करो इस क्या आएगा तुम्हारा के इज इक्ल टू एट पॉइंट नाइन वन एट टेन थ्री पावर क्या होगी क्या होगी माइनस थ्री समझे टेन टू दी पावर माइनस थ्री और ये क्या में आगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा के अब तो मैंने क्या है तो मैंने कहा टी हाफ है तो टी हाफ इक्वल क्या है तुम्हारे तुम्हारे पास वैल्यू आ गई के की, की तो अब रख दो टी हाफ़ इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के कितना है तुम्हारा एट पॉइंट नाइन वन एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री तो ये क्या होगा तुम्हारा सेवन पॉइंट सेवन सेवन मिनट ये तुम्हारा आ जाएगा क्या है तुम्हारी टी हाफ ये हो गया तुम्हारा टी हाफ समझ गए तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तुम्हारा चलो देखो तो देखो हमारा कौन सा है ट्वेंटी वाला फॉर द दिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपिन टू हैगजें एंड नाइट्रोजन ठीक है एट कितने पर फाइव फोर थ्री पे द फॉलोइंग डाटा इज ऑफ कैलकुलेट द रेट कॉन्सटेंट रेट कॉन्सटेंट मतलब तुम्हें क्या निकालना है कि तुम्हें निकालना के तुम्हारे पास कुछ नहीं दिया है तुम्हें सिर्फ एक कुछ टेबल दिया है तुम्हें प्रेशर में दिया है ठीक है प्रेशर है और तुम्हें टाइम दिया है ये इस बार कंसनट्रेशन नहीं है इस बार प्रेशर है तो चलो पहले देखते हम क्या यह है तुम्हारा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ठीक है ये किससे कनेक्टेड है तुम्हारा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन इसको रिपीट कर दो ये क्या हो जाएगा सी एच सी एच थ्री और फिर से सी एच थ्री तो ये तुम्हारा एजो आइसोप्रोपेन समझ गए बात देखो ये है प्रोपेन ठीक है और ये एजो है नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं तो ये तुम्हारा एजो आइज एजो आइजो प्रोपेन चलो ठीक अब उनने क्या बोला है कि ये टूट रहा है किसमें हैगजेन में टूट रहा है मतलब हैगजेन मतलब कि सी सिक्स एच ट्वेल्व यही होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व होता है सी एन एच टू एन नहीं होता है सी एन एच टू एन प्लस टू होता है तो ये हो जाएगा हमारा सी सिक्स एच फोटीन प्लस किस में टूट रहा है तुम्हारा नाइट्रोजन में नाइट्रोजन यही होता है अब देखो तुम्हारा ये तो मैं दिया है तो अब हम मान लेते हैं कि एट हमारा किस पे टाइम जीरो पे ज़ीरो पे इसका प्रेशर कितना होगा ज़ीरो होगा समझ गए ना एट ऐट एट, एट टाइम ज़ीरो ठीक है तो इसका प्रेशर क्या होगा प्रेशर इसका ज़ीरो होगा इन सब के भी ज़ीरो होंगे इनके भी ज़ीरो होंगे ठीक अब मैं बात करूँ एट टाइम टी ठीक एट टाइम टी तो मान लो पी टी के टाइम पे क्या हुआ इसका जो प्रेशर था वो पी आया तो इसका क्या होगा पी नॉट पी नॉट माइनस पी देखो एट टाइम टी एट टाइम टी मतलब प्रेशर क्या होगा तुम्हारा पी नॉट पी नॉट माइनस पी पी नॉट माइनस पी ये हो जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आएगा हाँ भाई चेंज कितना हुआ प्रेशर पी पी ये हम पढ़ते हैं ना कंसेंट्रेशन में ऐसा होता है समझ गए ना ये बात तो देखो एट पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा ज़ीरो था तो इन सब के प्रेशर ज़ीरो होंगे क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई अब एक टाइम बाद प्रेशर कितना हुआ सिर्फ पी निकला तो इसमें से प्रेशर इतना कम हुआ तो कितना कम हुआ पी कम हुआ पी कम हुआ तो आ गया तुम्हारा तो अब हम तुमसे बोलें कि टोटल टोटल प्रेशर कितना आया पूरे कंपाउंड का तो क्या आएगा वो तुम्हारा P T जो था वो टाइम को छोड़ो P कैपिटल T मतलब कि कैप तुम्हारा टोटल प्रेशर टोटल ही लिख दे रहा हूं छोड़ो टोटल इज इक्वल टू ठीक है क्या होगा तुम्हारा P नॉट माइनस P प्लस P और प्लस P यही होगा ना टोटल टोटल यही होगा ना तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कैंसिल ठीक ये हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल आएगा क्या तुम्हारा इसको मैं लिख दे रहा हूँ पी टी ओ ऐसे लिख दे रहा हूँ कि तो टोटल है वो टी ओ लिख देता हूँ ठीक है तो ये क्या होगा तुम्हारा ये हो जाएगा पी नॉट पी नॉट प्लस पी पी नॉट प्लस पी ये आ गया ये समझ गया ना ये बात अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई हमारा कंसंट्रेशन किसका एजो आइसोप्रोपेन का क्या है मतलब प्रेशर क्या है एक टाइम के बाद तो वो कितना है तुम्हारा पी नॉट माइनस पी और ठीक है तो अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा तुम्हारा पी की वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा देखो उधर से पी की वैल्यू अगर हम निकालें ये वाले पी की तो क्या आएगा तुम्हारा पी टी ओ माइनस ये हो जाएगा पी नाट और आएगा तुम्हारा स्मॉल पी समझ गए बात ये समझ गए तो एक काम करो वो जो वैल्यू है वो इधर पुट कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा पी नॉट और सुनो ये इस क्यों कर रहे हैं हम हमें करना क्यों है ये ये कुछ तो रीज़न होगा ना याद करो हमें निकालना क्या है हमें निकालना के के कहाँ से निकालते हैं हम फार्मूले से निकालते हैं फार्मूला क्या है तुम्हारा इनिशियल माइनस जो चेंज हुआ वो तो जो चेंज हुआ वो निकाल रहे हैं हम ठीक है इनिशियल तो हमारे पास है कि हाँ इनिशियल कितना है तुम्हारा ये है इनिशियल कितना तुम्हारा ये है ना चेंज ही नहीं हुआ जब टी इक्वल टू जीरो तो चेंज कितना हुआ ये इतना हुआ टोटल चेंज इतना समझिए इसलिए निकाल रहे हैं तो सुनो अब तो P की वैल्यू रख दो इधर क्या हो जाएगा P नॉट माइनस P की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी P T O ठीक है माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है तो ये क्या होगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस P O समझ गया ना P नॉट हो जाएगा तुम्हारा तो ये टोटल कितना आएगा तुम्हारा यह आएगा तुम्हारा टू पी नॉट माइनस पी टी ओ ये आ गया समझ गया ना ये आ गया तुम्हारा चलो ठीक है अब हम दूसरा देखते हैं हमारा ठीक है मतलब दूसरा क्या देखते हैं हम वैल्यू और दूसरी देखते हैं लगाते हैं चलो तो देखो हमारे पास वैल्यू आ गई अब क्या रखो तुम के इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ठीक है तुम्हारा क्या हुआ पहले तो इनिशियल था तो तुम्हारा क्या हो गया पी नॉट अपॉन ये हो गया पी नॉट अपॉन तुम्हारी वैल्यू क्या आई थी चेंज वाली वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी आई थी टू पी ओ माइनस पी यही था ठीक है तो अब हम एट टाइम थ्री सिक्सटी की बात करते हैं ठीक है एट टाइम थ्री सिक्सटी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा के वन इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन थ्री सिक्सटी ठीक लॉग पी नॉट कितना है तुम्हारा ज़ीरो पे कितना है तुम्हारा थर्टी फाइव अपॉन ठीक है टू इन टू पी कितना है तुम्हारा फिर से थर्टी फाइव माइनस कितना है तुम्हारा फिफ्टी फोर टाइम इस टाइम पे तुम्हारा कितना है प्रेशर फिफ्टी फोर ठीक है तो ये आएगा तुम्हारा भी इसको सॉल्व करोगे तुम तो कितना आएगा तुम्हारा टू पॉइंट वन सेवन फाइव इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री ठीक ये आएगा तुम्हारा K आ गया K वो भी वन उसके बाद मतलब थ्री सिक्सटी पर तुम्हारा इतना आ गया अब किस पे निकालो आप सेवन ट्वेंटी पर निकालो कितना आएगा चलो निकालो के टू इज इक्वल टू सीधे वैल्यू रख दें सीधे वैल्यू रख दें तो क्या आएगा तुम्हारा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन ठीक क्या आएगा तुम्हारा थ्री सिक्सटी की जगह आ जाएगा सेवन ट्वेंटी लॉग इनिशियल तुम्हारा सेम रहेगा थर्टी फाइव अपॉन टू 35 थर्टी फाइव माइनस पी चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री तो के टू कितना आएगा तुम्हारा यह आएगा टू पॉइंट टू थ्री फाइव टेन टू माइनस थ्री ये होगा ये हो जाएगा तुम्हारा इतना अब तो हमें निकालना क्या था तुम्हें तो के निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं है? हम इसका एवरेज निकालें हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा हमें दोनों का मिल मिल जाएगा ना दोनों का मिल हमें एक एवरेज मिल जाएगा चलो हम इसका एवरेज निकालते हैं एवरेज क्या होगा इसका के वन प्लस के टू अपॉन टू फिर उसका के इक्वल में के ठीक है एवरेज ऐसा निकालेंगे इसका तो जब तुम इसका एवरेज निकालोगे ठीक है इसका जब तुम एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा टू वन पॉइंट टू टू पॉइंट वन सेवन फाइव इंटू टेन टू द माइनस थ्री प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या टू पॉइंट टू थ्री फाइव इंटू टेन टू दी माइनस थ्री अपॉन टू टू पॉइंट वन नाइन ठीक है टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू द माइनस थ्री अपॉन अपऑन कुछ नहीं होगा ये हो जाएगा तुम्हारा के की वैल्यू तो तुम्हारा के कितना आया तुम्हारा के आया टू पॉइंट वन नाइन इं टू टेन टू द थ्री अब पॉइंट के बाद तुम्हें जो भी लगाना लगा लो लगा मतलब इतना भी नहीं कि तुम एक्ूरेट है तो हाँ वो अप्रॉक्स इतना आएगा ठीक समझ गए बात तो ये आएगा तुम्हारा टू तो पॉइंट वन नाइन इन टू टेन थ्री पावर माइनस थ्री तो ये वाला हो गया हमारा इसका फॉर्मूला देख ही लिया होगा अच्छा खतरनाक है ना चलो ठीक कुछ नहीं है एजो है दो नाइट्रोजन है आइसो प्रोपेन है आइसो प्रोपेन तुम लोग कब से पढ़ते आ रहे हो तो क्या बना लोगे गए फॉर्मूला समझ गए चलो ठीक और ये था हमारा क्वेश्चन अब चलो दूसरा है क्या चलो आज के लिए इतना ही ठीक है आगे अगले आग वाले को अगले वाली वीडियो में हम तो कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ठीक मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न हब हाँ। फ्री है पर बेस्ट है